हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लीलैंड का यूरिया जो होता है एड ब्लू, उसकी पहचान कैसे करें। ठीक है, ये दो बाल्टियाँ सामने पड़ी है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। अब आपको दोनों सेम लग रही होंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा सही कौन सी और डुप्लीकेट कौन सी है। जो राइट साइड में डार्क कलर में जो दिख रही है आपको, डार्क देखो MRP लगी हुई है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, डुप्लीकेट में MRP नहीं आती है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ। ये देखो, मैं आपको डुप्लीकेट बाल्टी में बता रहा हूँ, कोई MRP नहीं लगी हुई है, कोई MRP प्रिंटेड नहीं है इसमें। देख लो, पूरी बाल्टी घुमा दी है और देखो ओरिजिनल बाल्टी में ये MRP लगी हुई है। ठीक है, ओरिजिनल बाल्टी में MRP कंपनी द्वारा प्रिंटेड MRP लगी होती है, डुप्लीकेट बाल्टी में MRP नहीं लगी होती है। मैं आपने बताई पूरी मैंने घुमा के, और ओरिजिनल बाल्टी डार्क होती है, और ठीक है डुप्लीकेट बाल्टी डार्क नहीं होती है, डार्क कलर में नहीं होती है, और ओरिजिनल यूरिया जो होता है चिकनाट होता है, और डुप्लीकेट में चिकनाट नहीं होता है। ठीक है, एक गाड़ी आई थी उसमें डुप्लीकेट यूरिया डाल रखा था, उसमें यूरिया चेंज किया, फिर नॉक्स की लाइट गई थी, नॉक्स की लाइट आ रही थी उसमें, यूरिया चेंज करने के बाद नॉक्स की लाइट गई। तो आप भी ध्यान रखें, आपसे यह UDS पंप फेल हो सकता है, डुप्लीकेट यूरिया से अपने गाड़ी का एवरेज टूट सकता है और गाड़ी ख़राब हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है, फिल्टर चोट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। थैंक यू।